करते हैं रहीम आज जो हम बात करेंगे आ, आज हम एक मैथ एजुकेशन की एक टीचिंग स्ट्रेटी को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट पिक्चर एब्स्ट्रैक्ट्स यूज अ लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि ये एडुकेसी करता है कि जो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का जो सीक्वेंस हमने रखना चाहिए हमें रखना चाहिए वो कॉन्क्रीट से शुरू हो और एब्स्ट्रैक्ट खत्म हो वरना एक्चुअली होता क्या है कि हम बहुत सारा मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाते हैं जो कि जिसमें आपको ये साइड में नजर आ रहा है थ्री प्लस टू फाइव और ये विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो है हम रटना शुरू कर देते हैं तो आज हम देखेंगे कि इस स्ट्रेटी ये स्ट्रेटी बेसिकली है क्या और इस स्ट्रेटी को सामने रखते हुए एक बड़ा मासूम सा कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेड सिक्स से या सेवन से शुरू होता है और ग्रेड नाइन तक चलता है जिसको हम इंटीजर कहते हैं उसको हम एज एग्जाम्पल लेकर उसको अनपैक करेंगे तो उसको करते हुए जो है इनशाला हम इसको समझ जाएंगे कॉन्क्रीट कौन, पिक्चर एबस्ट्रेक्ट आ, ये जो स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या अच्छा ये बेसिकली जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये थ्री थ्री पार्ट स्ट्रेटेजी है जिसके जो हाँ, एक दूसरे के साथ लिंक करती है यानी कॉन्क्रीट कौंक, से शुरू कर कर जाते हैं और ये आइसोलेशन में नहीं है यानी किसी भी कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप कॉन्क्रीट चीजों से बनाते हैं फिर पिक्चर के, सा, के साथ पिक्चर के साथ शिफ्ट करते हैं और फिर एब्सट्रेक्ट पे चले जाते हैं तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हेल्प आउट करती है तो कॉन्क्रीट जैसे कि कॉन्क्रीट से मिसाल साफ समझ आता है कि ये जो है पहला है जिसके अंदर जो है रियल पिक्चर्स या रियल क्या कहते हैं कंक्रीट मटेरियल के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर जो है वो बिल्ड कर रहा होता है और ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि डूइंग पार्ट जिसके अंदर हैंड्स ऑन चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं जैसे कि आप काउंटिंग सिखा रहे होते हैं तो आप वन टू थ्री यानी कि एक पत्थर दो पत्थर या इस तरह से जो है आप इसको देख रहे होते हैं मैंने इसके इस स्ट्रेटी इस को समझाने के लिए यहाँ आपके साथ जो है वो आ, क्या कहते हैं इसको एक आ, पावर पॉइंट में लिया है लेकिन यह है कि ये जो बेस्ट क्या कहते हैं बेस्ड लेस वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर जो है इस कंक्रीट को पिक्चर को और एब्सट्रैक्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिर उसके बाद जो है इन हम इंटीजर के साथ काम करेंगे और इसी क्या कहते हैं मेथड को लेते हुए देखें ये जो प्लेस वैल्यू के अंदर मोस्टली हम थाउजेंड हंड्रेड टेन्स एंड वंस पढ़ाते हैं तो मैंने ये थोड़ा सा एडवांस लिया है एज एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक टेन वंस मिलकर जो है वो एक टेन बनाते हैं यानी आपके पास टेन काउंटर्स हैं अगर आप उन सबको इकट्ठा करते हैं तो वो टेन वंस मिलकर एक टेन जो है वो बनाते हैं इसी तरह से जब टेन टेन मिल जाते हैं तो वो इकट्ठे होकर जो है एक हंड्रेड बना देते हैं इसी तरह से जब टेन हंड्रेड मिलते हैं तो वो एक बना देते हैं तो बेसिकली आपने जो ये समझाना है वो रियल ऑब्जेक्ट्स की मदद से समझाना है कुछ किताबों में आपने देखा होगा कि वो माचिस की तीलियां इस्तेमाल होती हैं जो दस दस तीलियों को जो है वो लोग जो है उसको रबड़ की मदद से रबड़ रबड़ की मदद से बांध देते हैं और इस तरह से जो है वो उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि 10s हैं हंड्रेड्स और फिर टेन टेन को बांध कर हंड्रेड कर देते हैं और फिर हंड्रेड को बांध कर कर देते हैं तो आप इस तरह के जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक कॉन्क्रीट फेज है उसको उसको समझने के लिए और इसी तरह से इस कॉन्ट्री कॉन्क्रीट फेज के अंदर जो है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल दिया जा रहा है कि हाउ मेनी काउंटर हीरा डिट कलेक्टेड हीरा ने कितने काउंटर जो हैं वो कलेक्ट किए हैं उसके पास दो जो हैं वो थाउजेंड्स के जार नजर आ रहे हैं एक हंड्रेड का नजर आ रहा है थ्री टें के नजर आ रहे हैं और सेवन वन का नजर आ रहा है तो ये ऑल टूगेदर मिलकर बन जाएंगे कुछ इस तरह से कि ये बन जाएंगे क्या टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन ठीक है ना ये इसका आंसर आ जाएगा कि इस तरह के जो एक्सरसाइजेस आप जो हैं वो कॉन्क्रीट फेस के अंदर बिल्ड करेंगे उसके बाद देखें पिक्चर के अंदर क्या है कि इन दिस पार्ट टीचर ट्रांसफर तो अब ये क्या होता है कि जब आप कंक्रीट के साथ काफी देर तक का आपने उसकी एक्सरसाइज कर ली और कंक्रीट आपकी समझ आ गया तो फिर क्या करते हैं आप पिक्चर की तरफ मूव कर जाते हैं और उसके मॉडलिंग करते हैं और इसको पार्ट को ज्यादातर डूइंग के बाद ये सीइंग आ जाता है यानी आप देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं या अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेमोस्ट्रेट करते हैं जैसे इसके अंदर ये एक एक्सरसाइज दी गई है अब ये फ्लैश कार्ड है या आप इसको किसी गत्ते पे काट के कर लें क्योंकि ये पिक्चर है वहां पे आप पिछले कॉन्क्रीट वाले फेज में वो गिन गिन के उन्होंने किए थे जार्स के अंदर तो यहां आपको पिक्चर नजर आ रही है तो ये थाउजेंड्स हैं हंड्रेड्स है टेंस हैं और वनस हैं तो ये एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज है पिक्चर के साथ तो अब आप इसको देख सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये कितने हैं तो अगर आप देखते हैं तो इसमें फोर थाउजेंड्स हैं फाइव हंड्रेड्स हैं और ये सेवन टेंस हैं और इसी तरह से सिक्स वन हैं। तो ये सब मिलकर बनते हैं फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड है फाइव हंड्रेड हैं सेवेंटी है और नाइन है और जब ये ऑल टुगेदर होते हैं तो ये बन जाते हैं फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सॉरी ये गलत टाइप होगी सेवेंटी सिक्स है इसी तरह से एबस्ट्रैक्ट पे जब आ, जब आप पिक्चर पे अच्छी खासी कमांड हासिल कर गए आपने कॉन्क्रीट के अंदर उस काम को किया पिक्चर के साथ किया एंड देन थर्ड फेज जो है मूव्स आ जाता है ये सारा जो मूव है वो सिंबल्स के ऊपर है जो जैसे नंबर्स हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जीरो और इसी तरह से प्लस माइनस तो यहाँ पर ज्यादातर ये एबस्ट्रेक्ट नॉलेज के साथ काम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सारी टीचिंग यहीं से शुरू होती है और यहीं पर जो है वो खत्म हो जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो काफी ज्यादा मसाइल का सामना है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से खासतौर पर मैथ में और मैथ दिन ब दिन लोगों के लिए एक चैलेंजिंग और एक बोरिंग किस्म का कंटेंट बनता चला जाता है ओके okay, इस तरह की फिर एक्सरसाइजेस आपका जो अल्टीमेट गेम है तो क्या कहते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस अप्रोच को जो है हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर इंटीजर्स uh, को सीखने के लिए अच्छा देखें इ, इ, इंटीजर को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि फिर हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें इस मॉडल को सी मॉडल को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे और पहला सवाल मेरा यह है कि आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है ये यकीन एक समर डे की तस्वीर है मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूँ समर समर की तस्वीर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें आपको टम्परेचर क्या नज़र आ रहा है मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपने इसका टम्परेचर आप बता सकते हैं कि क्या है सेंटीग्रेड के अंदर सर थर्टी फाइव है ना इसको थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो, और मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट करके रखें उसके बाद हमें एक और तस्वीर नजर आ रही है इसको भी मैं जॉम इन करता हूं मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और ये जो है ये आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें सेंटीग्रेड नहीं दिया दिया जा रहा है दिख रहा है लेकिन यह है कि आप गैस कर सकते हैं इसमें सेंटीग्रेड नहीं दिया जाता ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फॉरन हाइट है और ये जो जीरो जीरो जो है वो सेंटीग्रेड क्योंकि ये आपको बर्फ और ये बारिश और ये सारी चीजें तो नजर आ रही हैं बर्फ और ये बारिश तो ये आपको आ, कर रहा होगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको आ, इस फेज में जो है ना चैट बॉक्स यूज करें ताकि वो बैकग्राउंड आवाजें जो है वो ना आए ओके okay. अच्छा देखिए ये ट्वेंटी आ रहा है ना इसके अंदर अच्छा फिर अगर और बर्फ गिर जाती है तो आप, आप बता सकते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर नजर आ रहा है सेंटीग्रेड के अंदर जी हाँ ट्वेंटी थ्री फॉरन हाइट था अली मुर्तुला. जी ओके okay. माइनस टेन माइनस टेन माइनस फॉरन हाइट में सेंटीग्रेड में कितना है माइनस ट्वेंटी वन ठीक है ना तो इसको इसको याद रखिएगा कि हमने कहां से इसको शुरू किया था हमने थर्टी फाइव डिग्री से शुरू किया फिर जीरो पे आए, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ और अब ठीक ठाक सर्दियां पड़ रही हैं तो माइनस ट्वेंटी वन इसका टेम्परेचर हो गया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो समर से विंटर के दौरान कितना ड्रॉप हुआ जी टेक्स्ट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर गिरा ओके फिफ्टी एट कहा अली मुर्तुजा ने और कोई साथी कहना चाहेगा ओके okay, अली मुर्तुजा मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके करके अपने जवाब को एक्सप्लेन करेंगे आप जी सर जी जी एक्सप्लेन करेंगे आप थोड़ा सा सर पहले तो थर्टी सिक्स सेल्सियस पर था जी जी वो जीरो पर चला गया तो थर्टी सिक्स माइनस हो गए ओके okay. उसके बाद फिर ट्वेंटी टू माइनस हो गए जी जी तो शुरू में थर्टी सिक्स माइनस हो गया उसके बाद ट्वेंटी टू फिर माइनस हो गया इन करेंगे तो ये हो जाएगा आ, 58. जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया कि इसको अगर आप रेगुलर मिसाल से देखें तो 36 जीरो तक आने तक 36 नीचे गए और फिर माइनस ट्वेंटी नीचे गए तो आपने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ लिया और जोड़कर आपने कहा कि ये 50 एट गए ना अच्छा कोई और कोई और तरीका हो सकता है।, है कोई और तरीका हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का क्योंकि ज्यादातर हमने, हमने जी 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 तरह जी जैसे नंबर लाइन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ जाते हैं ना तो पॉजिटिव में तो वो ट्वेंटी थर्टी सिक्स गया है और नेगेटिव में वो तो हम उसको माइनस ही करेंगे तो थर, फर, 14 आएगा। ओके okay. uh, एक एक जवाब यह है कि फोर्टीन आएगा और एक जवाब यह है कि क्योंकि थर्टी uh, सिक्स जीरो तक आया और फिर जीरो से और ट्वेंटी टू गए तो टोटल सफर जो है वो टेम्परेचर का फिफ्टी एट डिग्री हुआ यानी फिफ्टी एट डिग्री नीचे गया और एक और भी जवाब है तो हम देखते हैं देखें ये क्योंकि डेली लाइफ का uh, क्या कहते हैं मैथमेटिक्स है तो इसके इसके अंदर जो ज्यादातर आर्गूमेंट्स और वो सारे कुछ चलते हैं लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये किस किस्म के लंबर्स हैं और ये माइनस किस तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं रूटीन की और उससे समझने की कोशिश करते हैं आ, ये भी बंद करो ओके आ, जो भी अच्छा देखें ये आपको एक सिचुएशन नजर आ रही है एक सीन नजर आ रहा है, आ रहा है। आ, ए, ए, इसके अंदर देखें एक समुंदर है और समुन्दर की सतह है और सतह को जो है हम कि जीरो लेवल लेते हैं यानी ये लेवल जो है वो जीरो है जो बाइफेट कर रहा है फजा को जो है वो डेथ को जो सम, सी की जो डेथ है उसके दरमियान अब अगर देखें तो ये जो फासला है ये जो जहाज जो उड़ा है ऊपर ये थर्टी फाइव क्या है थर्टी फाइव हंड्रेड माइ मीटर अबव द सी है और इसी तरह से ये जो सबमरीन है ये 2500 मीटर बिलो द सी है अच्छा जो अब सी है नॉर्मली क्योंकि वो सतह समुंदर से ऊपर है तो उसको मोस्टली जो है हम क्या कहते हैं प्लस 35 मीटर है और इसको मेंशन करने के लिए माइनस ट्वेंटी मीटर हम लेते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो सबमरीन से जो है आ, क्या कहते हैं एरोप्लेन uh, का डिस्टेंस कितना है फासला <laughs> जी कोई ट्राई करेंगे आप इसको सर सवाल दोबारा दोहराइयेगा मैं ये कह रहा हूं देखें ये आपको इस सीन के अंदर एक सीन जो नजर आ रहा है इसके अंदर एक सबमरीन नजर आ रही है जो सतह समुंदर से नीचे है एक आपको प्लेन नजर आ रहा है जो सता समुंदर से ऊपर है और एक जो है वो थर्टी फाइव मीटर अब सी लेवल है और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बिलो द सी लेवल है ठीक है ना तो जो सी लेवल है हम उसको जीरो पकड़ते हैं तो जो ऊपर है उसको हम कह रहे हैं भाई ये प्लस थर्टी फाइव हंड्रेड है मीटर है नीचे वाले को हम कहते हैं कि भाई ये माइनस है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब मरीन और एरोप्लेन का फासला कितना है तो आप क्या बताएंगे सर मीटर का फासला है।, है क्योंकि ये आपने क्या किया इसको कर लिया है ना सर इट इज़ 6000 मीटर सिक्स थाउजेंड मीटर है ठीक है ना अच्छा अब ये ये जो 6000 मीटर जी जी चेके. अच्छा देखे देखे अगर बाहिर हम देखें कि यहाँ पर इस सिचुएशन को गौर से देखें तो थर्टी फाइव हंड्रेड मीटर है और नीचे ट्वेंटी फाइव मीटर है और ये एक को हम माइनस ले रहे हैं एक को प्लस ले रहे हैं लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो ये माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर नहीं है क्योंकि जीरो की वजह से हम इसको ले रहे हैं वरना ये आप आम ले, आम लेजे में आप नहीं कहते कि यार आप दोस्त जो है माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर जो है जमीन के समुन्द्र के नीचे है नॉर्मली अगर आपसे पूछो मैं कि आप दोस्त कितनी गहराई पर है समुद्र के अंदर तो आप क्या कहेंगे माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर कहेंगे या ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर कहेंगे सिंपल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर कहेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे क्या है क्योंकि हम जो है उसके अपोजिट जा रहे हैं तो इसलिए हम माइनस तो यूज जी जी इसलिए हम इसको एज ए एज ए माइनस जो है वो यूज कर रहे हैं ठीक है ना अच्छा इन दो मिसालों को याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके ये इस्तेमाल होंगी इंटीजर्स के जब हम ऑपरेशन करेंगे तो लेट्स वी इंट्रोड्यूस जो है एक खास किस्म के लंबर का हमें सामना करना पड़ता है अच्छा ये एनिमेटेड नहीं हुआ है ओके लेट्स रिमाइंड अवर सेल्फ की देखें इसमें नेचुरल नंबर जो है वन टू थ्री फोर फाइव है ये हम क्या कहते हैं नॉर्मली पढ़ते हैं फिर जीरो इसके साथ ऐड हो जाता है तो होल नंबर्स आ जाते हैं और अभी हमने देखा है दोनों सिचुएशन में कि खास तरह के नंबर्स का हमें सामना करना पड़ रहा है जो माइनस के अंदर है तो अगर आप ये देखें तो जीरो से जो है वो दाएं तरफ जो है वो हमने प्लस वाले नंबर लिए हुए हैं और ये माइनस वाले नंबर लिए हुए हैं और ये सब मिलकर जो है वो इंटीजर्स जो है वो बनाते हैं या इन नंबर्स को हम जो इन नंबर्स के जो सेट होते हैं हम इनको इंटीजर्स कहते हैं जो के जो जीरो से जो दाएं तरफ है जो प्लस में है हम उनको प्लस के वाले पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं और बेसिकली अगर आप देखें माइनस फोर को तो ये बेसिकली अपोजिट ऑफ फोर है यानी फोर का अपोजिट साइड पर है और या फिर माइनस फोर है ठीक है ना और जैसे कि अभी आपने जो टेम्परेचर वाले कैलकुलेशन की जैसे तबस्सुम ने भी कहा अली मुर्तज़ा ने भी कहा कि देखें जब हम पांच से जीरो तक आएंगे यानी अगर हमें प्लस फाइव से माइनस फाइव का डिस्टेंस मालूम करना है तो ये फाइव का डिस्टेंस नहीं है बल्कि टेन डिस्टेंस के फासले पर है क्योंकि अगर आप एक डिस्टेंस को एक स्टेप तस्वूर करते हैं जैसे फर्ज करें फाइव से फोर में आने में फोर से थ्री के आने में एक स्टेप तस्वूर करते हैं तो ये फाइव स्टेप और फाइव स्टेप्स जो हैं ये आपके बन जाएंगे टोटल टेन स्टेप्स का फासला बन जाता है तो इसलिए बज दफा इसको अपोजिट इंटीरियर भी कहते हैं जो नेगेटिव इंटीरियर होते हैं यानी ये है, पॉजिटिव के अपोजिट होते हैं के इसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के तौर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पे वर्चुअल क्लास ले रहे हैं हम रियल सेटिंग में नहीं है वरना हम यहाँ पे बटन्स या काउंटर्स या मुख्तलिफ किस्म के जो है टाइल्स इस्तेमाल कर सकते थे तो आप अगर जब इन हमारे स्कूल जल्दी खुलेंगे तो आप जब इसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के तहत कर रहे होंगे तो आप जो है इसको बटन भी यूज कर सकते हैं मुख्तलि के कलर के काउंटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन दो डिफरेंट कलर लीजिएगा तो यहाँ मैंने अक्सर जो है हरियाली को पॉजिटिव में ले जाता है और रेड को खतरे के निशान को नेगेटिव में ले जाता है तो मैं ये दो टाइल्स जो है यूज करूंगा कि अगर ग्रीन नजर आ रहा होगा तो पॉजिटिव है और रेड नजर आ रहा होगा तो नेगेटिव है तो आइए फिर हम एडिशन के जो है इंटीजर्स को एडिशन करना सीखते हैं रियल उसके मदद से काउंटर्स की मदद से तो देखें इसमें प्लस टू प्लस थ्री एक क्वेश्चन है तो एडिशन बेसिकली इकट्ठा करने का नाम है तो हमने टू टाइल्स लिए और फिर थ्री टाइल्स लिए तो अब आपको अगर टोटल देखें तो ये आपको फाइव ग्रीन टाइल नजर आ रहे हैं और जैसे कि हमने कहा कि ग्रीन टाइल प्लस को जाहिर करते हैं तो ये हमारे पास प्लस फाइव आ गया इसी तरह से हमने प्लस वन लिया और थ्री लिया और फोर ग्रीन टाइल नजर आए तो हमने फोर प्लस का ले लिया इसी तरह से हमने जो है uh, जो है वो ये four, plus four, plus था तो प्लस प्लस लिया लिया इस तरह से ग्रीन टाइल नजर आ रहे हैं तो हमारा आंसर प्लस नाइन हो जाता है इस तरह से टू लिया और फिर हमने सिक्स लिए तो ये एट ग्रीन टाइल्स हैं तो प्लस एट आ जाते हैं यानी कि इस इस शीट में हमने ये देखा कि प्लस इंटीगर इंटीजर्स को प्लस इंटीजर्स के साथ जम एड करते हैं तो इकट्ठा करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है अच्छा क्या हम यहाँ पर कोई रूल जो है वो ड्राइव कर सकते हैं इसको देखकर आप अपना माइक अनम्यूट अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं सर इसमें प्लस इनटू प्लस वाला रूल अप्लाई किया है नहीं वो प्लस इंटू इंटू में फिर जब मल्टीप्लाई में जाएंगे जब देखेंगे यहां पर देखें कोई रूल हम ड्राइव कर सकते हैं याद रखने के लिए इस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से क्योंकि आपको याद रखना है कि कॉन्क्रीट से पिक्चर और एस्ट्रेस पर जाना है तो जो रूल कोई आप ड्राइव करके हैं तो बता सकते हैं जी आपको कोई रूल नजर बना सकते हैं आप जी तरुण आप कुछ कहना चाह रही हैं सर ग्रीन टाइल्स हमें याद रखनी है पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स हमेशा रिजल्ट देते हैं ओके okay, अगर हम positive, जी 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 अगर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव जमा करते हैं तो आ, क्या करेंगे ऐड द नंबर और आंसर विल बी आंसर इज पॉजिटिव ठीक है ना यानी कि हम एक रूल ये ड्राइव कर सकते हैं कि जब जब पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐड करते हैं तो आ, तो हमें क्या करना है नंबर्स को ऐड करना है और आंसर भी जो है वो पॉजिटिव के अंदर आएगा ओके okay? हम आगे बढ़ते हैं अब हम क्या करेंगे एक एक और एग्जाम्पल लेंगे इसमें हम करेंगे ये जो भी अच्छा ये देखे माइनस थ्री में हमें प्लस माइनस फोर एड करना था तो हमने माइनस थ्री वाले टाइल्स लिए फिर माइनस प्लस माइनस फोर वाले लिए दोनों को जब हमने मिलाया तो सेवन रेड टाइल्स बन गए और सेवन रेड टाइल्स को जो है हम क्या कहते हैं जब माइनस सेवन से जाहिर कर सकते हैं इसी तरह से माइनस टू और माइनस वन लिया हमने तो माइनस टू लिया हमने माइनस वन लिया तो ये हमारे पास थ्री रेड टाइल्स आ गए तो ये माइनस थ्री हमारे पास आ गया इसी तरह से माइनस फाइव लिया हमने और माइनस टू लिया तो इस तरह से ये सेवन रेड टाइल्स बन गए तो माइनस सेवन हो गए और इसी तरह से माइनस सिक्स और फिर माइनस सिक्स है तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ट्वेल्व बन जाएंगे यहाँ पे फिर मैं रोकूंगा कि क्या इसके लिए हम कोई रूल बना सकते हैं एक रूल तो हमने देख लिया जब दोनों टाइल्स हमारे जो हैं वो प्लस में थे तो इसके लिए कोई रूल आप बना सकते हैं जी सर जनरली हम एक और रूल बना सकते हैं कि जैसे पहले एग्जांपल के लिए आगेसे बनाया आगेसे था दूसरा ये एग्जांपल है जी जी तो इन दोनों एग्जांपल्स के लिए मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब किसी भी नंबर्स की सेम्बल्स सेम सैं हैं और वो दोनों ऐड हो रहे हैं तो उन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और सैम्बल लिखेंगे तो दोनों वही होगा जो लंबर्स तो का होगा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ठीक है ना अच्छा मैं यही और ये जो जब हम स्टूडेंट्स के साथ काम करें क्योंकि आप लोग पहले से भी थोड़ा वो जानते हैं स्टूडेंट्स के साथ काम करें तो उनके साथ जरूर डिबेट जरूर जनरेट करें ना तो ताकि ये जो आंसर है वो स्टूडेंट्स की तरफ से डिबेट करके आ रहे हो अच्छा एक और तरफ चलते हैं हम आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहां से हम क्या ड्राइव करते हैं अच्छा ये तीन से चार मिनट में ये लिंक ड्रॉप हो जाएगा तो हम एक दो मिनट वफे के बाद दोबारा से दूसरे लिंक से गैदर हो जाएंगे जैसे यूजुअल हम गैदर होते हैं अच्छा देखें इसमें प्लस टू है और उसमें से क्या करना है प्लस करना है माइनस थ्री तो, ठीक है ना तो ये आपने डाला इसके अंदर सॉरी Uh, ये आपने प्लस टू लिया है माइनस थ्री लिए अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जीरो प्रिंसिपल है कि प्लस और माइनस मिलकर जीरो हो जाते हैं तो ये देखें ये गायब हो गए ये गायब हो गए तो आपके पास क्या बचा एक रेड टाइल बची तो आपने कहा कि माइनस वन आ गया इसी तरह से देखें प्लस सिक्स में हमने प्लस सिक्स लिए और माइनस फाइव एड करना है तो माइनस फाइव हमने एड किए और हमें पता है प्लस माइनस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये गायब हो गए और हमारे पास आ, क्या बचा एक रेड टाइल बची सॉरी उल्टा बच गया एक ग्रीन टाइल बची तो ग्रीन टाइल का मतलब है प्लस वन फिर हमने फोर ग्रीन टाइल लिए फोर रेड टाइल लिए माइनस के लिए और ये सब एक दूसरे को काट देते हैं तो बचा हमारे पास कुछ नहीं तो हमने कहा जीरो टाइल और जीरो टाइल का मतलब जीरो इस तरह से हमने माइनस टू लिया और फिर के लिए रेड लिया फिर ग्रीन लिया फिर इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास थ्री ग्रीन टाइल बचे प्लस थ्री बचे इसी तरह से हमने माइनस सेवन लिया और फिर प्लस फाइव लिए अच्छा अब इसके अंदर भी ये कट गए तो बाकी आपके पास टू रेड टाइल्स बचे और माइनस टू बचा यहां पर भी हम एक कोई रूल बना सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन या इस एग्जाम्पल को देखते हुए जो नंबर बड़े हैं वो साइन हम लगाएंगे जैसे यहाँ पे सेवन बड़ा नंबर है तो हमने माइनस का लगाया सेवन का जो बड़ा नंबर है और माइनस साइन है सेवन का तो हमने हाँ, लेकिन बड़े बड़े नंबर के साइन लगाने से पहले भी हमने कुछ किया है मेरे ख्याल से जी सर लार्ज नंबर में से सिमालर नंबर को माइनस कर देंगे और सिंबल वही लिखेंगे ठीक है ना जो इससे पहले हमने जो काम किया सैम्बल लगाने से पहले जैसे आ, आ, सतार ने और नूर ने बताया आ, से, सतार ने जैसे सतार से हम शुरू करेंगे और नूर पे खत्म करेंगे जिस तरह से सतार ने बताया कि पहले बड़े लंबर में से छोटे लंबर को माइनस कर देंगे और निशान उसका लगाएंगे जिसका अदद जो है वो बड़ा होगा इस पूरे पैटर्न के अंदर ये रूल आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं ओके okay, तो ये ये कुछ प्लस की एग्जाम्पल थी इंटीजर्स के साथ और इनको अगर हम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं तो स्टूडेंट्स की ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है बल्कि उनको नजर भी आता है कि यार ये हो कैसे रहा है प्लस कैसे बच रहा है माइनस कैसे बच रहा है तो वो जो एग्जाइटी है जो उनके दिमागों के अंदर जो परेशानियां हैं वो यकीन मैथमेटिक्स uh, की काफी कम होना शुरू हो जाएंगी जो इंटीजर्स देखते ही लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज आ गई है और ये है क्या चीज अच्छा, अच्छा अब हम uh, uh, हमारे पास डेढ़ मिनट बचे हैं तो तकरीबन हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे लेकिन उससे पहले हम सब्ट्रेक्स को रिकॉल कर लेते हैं और के सब्ट्रेक्स को रिकॉल करें तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि सब्ट्रेक्स का क्या मतलब होता है कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज सब्सट्रेक्शन इज एडिशन तो कहते हैं हम जोड़ लेना जी सिंपल माइनस माइनस करना घटाना हाँ घटाने को कर क्या कहेंगे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ओके ये डिफरेंस है दो नंबरों का, का दो नंबरों के दरमियान फर्क है और कोई मीनिंग है इसके ओके देखें ये बेसिकली ये तीन मीनिंग है देखें एक तो डिफरेंस करना या कम कर देना रिड्यूस कर देना एक रिमूव करना यानी निकाल लेना ले लेना ठीक है ना टेक अवे करना तो आप यही तक याद रखिएगा फिर हम आगे जाके चलेंगे ये तीनों अल्फाज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि तफरीक करना या माइनस करना हम किसे कहते हैं निकालने को कहते हैं रिमूव करने को कहते हैं यानी कोई मॉडल है चार चीजें पड़ी हैं तो हम कहते हैं दो चीजें इसमें से निकाल लो तो उसको कहते हैं माइनस करना दो चीज ले लो तो चार में से दो ले लिए तो कितने बचे यकीनन दो बचे. तो ये ये सारे मीनिंग जो हैं ये तीनों याद रखिएगा। इस पे आगे जाके जो है हम माइनस वाले पे आपके साथ डिबेट करें तो ब्रेक से पहले हमने देखा था कि सबस्ट्रेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के क्या मायने हैं तो बेसिकली जो अर्ली क्लासेस के अंदर जो ग्रेड वन टू में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें बेसिकली सबस्ट्रेक्शन की जो मीनिंग हम लेते हैं वो टेक अवे करने के रिड्यूस करने के और रिमूव करने के लेते हैं जिसको अक्सर कहते हैं ना कि चार में से दो निकाल लो तो कितने हो जाएंगे या चार में से दो ले लिए हमने तो कितने बाकी बचेंगे तो बेसिकली हम उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बिल्ड करते हैं और इस एंटी एंटीजर के अंदर लेकर चलते हैं और ये थोड़ी सी आपकी इसमें तोज्जे भी चाहिए होगी और एक डिबेट भी मैं यहाँ पे जनरेट करना चाहूंगा तो आप मैं चाहूंगा कि आप माइक बंद कर इसको कर सकते हैं जैसे ये बड़ा सिंपल सा सवाल है जिसके अंदर आपने आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि प्लस फोर प्लस सिक्स में से फोर निकालो ठीक है ना तो देखें मैंने सिक्स लिया है और मैंने फोर को सिलेक्ट किया और ये फोर मैं निकाल दूंगा यानी जो हमने पिछले स्लाइड में जो मीनिंग देखी सब करने की रिमूव करना तो प्लस सिक्स माइनस प्लस फोर यानी इसका मकसद है कि प्लस सिक्स में से प्लस फोर जो है वो रिमूव करो निकालो तो अब आप देना ये देखें फोर सेलेक्ट किए और ये मैंने निकाल लिए तो मेरे पास दो ग्रीन बचे इसका मकसद ये है कि प्लस सिक्स में से प्लस फोर जो है वो निकाले जाए तो प्लस के टू बचते हैं ठीक है यहां तक मुझे यकीन है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि देखें ये प्लस सिक्स फोर मैंने निकाले टू बचे और प्लस टू बच गए क्योंकि वो ग्रीन टाइल हैं इसी तरह से ये वाला एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि माइनस फाइव में से माइनस करने हैं माइनस के थ्री यानी आपके पास ये माइनस फाइव है ये मैंने माइनस थ्री के गिर्द जो है वो आ, क्या कहते हैं सेलेक्ट किया मैंने और ये माइनस थ्री मैंने माइनस फाइव में से निकाल लिया टू रेड टाइल बचे यानी माइनस टू बचे अब हम इससे मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं अब यहां पे देखें माइनस टू में से हमें माइनस फाइव निकालना अब ये आ गया माइनस टू अब मुझे आप में से कोई साथी बता सकता है कि इसको कैसे माइनस करेंगे आप म्यूट कर सकते हैं क्योंकि असल जो इंटीजर्स में अंदर जो बच्चे पस्ते हैं वो एक तो इस सवाल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते और इसको आंसर भी नहीं दे पाते तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको मुझे बताएं कि ये इसके इसको कैसे करेंगे क्योंकि देखें माइनस टू है और इस माइनस टू में से मुझे माइनस फाइव जो है वो निकालने हैं सर अगर इसको ये प्रॉब्लम बच्चों को समझाने के लिए हमें शायद एक और स्टेप लेना पड़ेगा कि पहले उनको हम की नहीं चल सकता, टीचिंग में। देखे पहले ये समझने की जरूरत है क्योंकि हम ये करते ऐसे ही द टाइम नॉट सारी जिंदगी मोस्ट ऑफ पढ़ा है माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस के फाइव हो गए और माइनस टू प्लस के फाइव में से तीन बच जाएगा ठीक है ना ये प्रिंसिपल है ये रूल है लेकिन ये वर्क कैसे करता है और क्यों करता है ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर तलाश करना है अच्छा देखें जो हम पढ़ाते हुए उनको अल्गी आए, अल्गी। एक मिनट रुकिएगा तरन हम पढ़ाते हुए जब से आए हैं तो हम उनको पढ़ाते हुए आए हैं कि माइनस करने का मतलब है कि कुछ सामान है उसमें से कुछ सामान निकालना है ठीक है सही है ना तो अब आप क्लेट सिक्स में जाकर आप उस थ्योरी को कहेंगे नहीं जनाब आप वो हटाओ और आप ये ऐसे साइन होंगे तो इसको थोड़ा सा ना हमें समझाने की जरूरत है जी तरनुम आप कुछ कहना चाह रही थी मैं ये कहना चाह रही थी कि नंबर लाइन के थ्रू हम एकस्प्रेंग, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी नंबर लाइन देखें वो वाला है, स्टेप है नंबर टू स्टेप है नंबर टू समझ रहे हैं पिक्चर वाला स्टेप है अभी हम कंक्रीट वाले स्टेप पर हैं ठीक है क्योंकि आज हम यही एक जो टेक्निक्स टेक्निक बा, बात कर रहे हैं या टेक्निक सीख रहे हैं वो है कॉन्क्रीट पिक्चर एंड एब्स्ट्रैक्ट ठीक है अब देखें जो ये बहुत सारे बच्चे हमारे स्ट्रगल करते हैं इसको एक्सप्लेन करने से पहल, करने में तो आइए हम इसको देखते हैं कि आप इस मॉडल के साथ हम खेलेंगे कैसे और मॉडल बनाकर हम इसको समझेंगे कैसे देखें माइनस के टू है हम फाइव नहीं ले सकते फाइव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तीन और इस मॉडल के अंदर डालना पड़ेंगे तब ये पांच हो गए अब ये पांच हो गए अब हम ये पांच निकाल सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि आप किसी भी मॉडल में कुछ भी डाल नहीं सकते है ना ऐसे ही है ना आप कुछ डाल नहीं सकते लेकिन आप एक फिगर -एक ऐसा है जो हर जगह आप डाल सकते हैं और उससे किसी भी मैथमेटिक्स मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो है जीरो यानी आप इस मॉडल में जीरो डाल दें तो आप अगर देखें तो मैंने तीन ये जो आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर आ रहा है इसके ऊपर वन टू थ्री थ्री हमने माइनस के टाइल डाले और थ्री प्लस के टाइल डाले जब हमने ये दोनों डाले तो ये एक तरह से हमने इस मॉडल के अंदर जीरो डाल दिया और अब हम इस मॉडल में से पांच बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ये देखिए ये पांच के गर्द मैंने घेरा लगाया और ये पांच जो है मैंने यहां से रिमूव कर दिया तो अब मेरे पास तीन ग्रीन टाइल बचे और इसका मतलब है मेरे पास प्लस थ्री आंसर आया समझ आया कुछ देखें मैं दोबारा से समझाता हूं इसको देखें जिन और आप कुछ कहना चाह रही हैं मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ये थोड़ा सा स्टेप क्लियर नहीं है ना तो अगर ये तुमारा थोड़ा सा ये क्योंकि आपने तीन ऐसा मैं दोबारा करता हूँ दोबारा करता हूँ देखें मैंने इसके अंदर इस मॉडल के अंदर जो है वो पहले जो सिचुएशन ये है कि माइनस टू हमारे पास है माइनस के टू टाइल्स हैं और इसमें से हमने जो है वो प्लस फाइव जो है क्या कर रहे हैं निकालने हैं माइनस फाइव निकालने सॉरी तो अब टू है हम निकाल नहीं सकते फाइव क्योंकि फाइव टू से ज्यादा है और यहाँ पे वो क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो हमने क्या किया हमने हम ये मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी मॉडल में कोई और अदद नहीं डाल सकते क्योंकि उससे बैलेंस बिगड़ जाएगा एक ऐसा फिगर है जिसको हम जीरो कहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं किसी भी मॉडल पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता यानी अगर आप फाइव में जीरो ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू में जीरो ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसलिए हम इस मॉडल के अंदर जीरो डालेंगे जीरो कैसे डालेंगे तीन हमने क्योंकि हमें पांच कर रहे हैं उसको रेड टाइल्स को तो हमने तीन रेड टाइल्स डाले और तीन ग्रीनी टाइल डाले तो इस तरह से हमने इसके अंदर क्या किया हमने एक्चुअली अः जीरो एक्चुअली क्या किया तीन ग्रीन uh, डाले तीन रेड डाले तो एक्चुअली हमने जीरो डाल दिया अब जीरो डालने के बाद हमें अब मॉडल में आसानी हो गई और हमने ये फाइव आसानी से इसमें से हम रिमूव कर सकते हैं और ये हमने फाइव को पकड़ा और इसमें से निकाल दिया और हमारे पास थ्री ग्रीन टाइल बच गए यानी हमारा आंसर प्लस थ्री आ गया इसी को हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो प्लस फोर है और प्लस फोर से -2 से, और में से, से हमने माइनस टू निकालना है यानी कि ये हमारे पास रेड टाइल्स हैं और हमने इसमें से ग्री सॉरी ग्रीन टाइल्स हैं। हमने इसमें से रेड टाइल्स जो है वो निकालनी है और वो भी दो निकालनी है तो आप देखें जो सिचुएशन आपके पास है इसके अंदर रेड टाइल है ही नहीं तो आप नहीं निकाल सकते तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर आप इसके अंदर वो जो जीरो ट्रिक है यानी जीरो प्रिंसिपल यूज करेंगे और इसके अंदर हमने ये जीरो डाला फोर में हमने जीरो ऐड किया यानी टू रेड वाले हमने निकाले तो सिक्स ग्रीन टाइल बचे ठीक है ना इसी तरह से जो थर्ड स्टेप है हमारा इसी को समझने के लिए कि अब इसमें से माइनस टू है और इसमें से प्लस के तीन निकालने हैं तो हमारे वहां पास नहीं है तो हम क्या करेंगे तीन जीरो ऐड करेंगे यानी तीन रेड uh, ऐड करेंगे और तीन ग्रीन ऐड करेंगे और उसमें से तीन ग्रीन निकाल लेंगे तो इस तरह से फाइव रेड टाइल हो जाएंगे और और हमारा आंसर जो है वो माइनस फाइव आ जाएगा अगर आप गौर करें इस इ, इस सारे इसमें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये माइनस uh, में प्लस माइनस करने से कहीं पे बढ़ रहे हैं और कहीं पर कम हो रहे हैं और ये जो रियल एग्जाम्पल्स हैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं यही हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को जो है उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको देखने के लिए कि किस तरह से होता है अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहूंगा और मैं फिर वही सवाल पूछना चाहूंगा कि इसके लिए आप इन एग्जाम्पल की मदद से कोई जो है प्रिंसिपल या कोई रूल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं ये यकीनन है स्टूडेंट्स के साथ डिबेट करके जो है आप रूल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं मैं क्योंकि इसको ज्यादा डिबेट नहीं पढ़ाऊंगा टाइम कम होता जा रहा है तो जैसे कि ये एक रूल अक्सर है कि द द द साइन साइन ऑफ ऑफ फर्स्ट नंबर सेम एंड चेंज नंबर फॉलो द रूल ऑफ एडिंग रूलर यानी अगर आपको इसको हल करना है तो बजाय इसके कि आप क्योंकि अभी आपने प्लस नहीं पढ़ा है तो आप यहां पर इसको इसकी मदद से हल कर सकते हैं तो इस तरह से ये जो है कि माइनस वाला और खास तौर पे ये वाला जो एग्जाम्पल है के बच्चों के लिए कि भाई जो चीज नहीं है वो कैसे निकल सकती है तो वो आपके काफी हद तक जो है वो जो है ये जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं वो हेल्प करते हैं अच्छा फिर माइनस के बाद जो है हम मल्टीप्लीकेशन uh, की तरफ आते हैं इंटीजर्स के और uh, सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं मल्टीप्ले मल्टीप्लीकेशन के मायने क्या हैं तो हम में से कोई साथी अपना माइक एनम्यूट करके ट्राई करना चाहेगा ओके okay. सर so, ये प्रोडक्ट होता है तो किसी भी दो चीजों का या दो नंबर्स का ओके okay. ये एक तो ये डेफिनेशन है और भी कोई है इसकी मीनिंग मल्टीप्लिकेशन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन ओके इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन यानी रिपीटेशन ऑफ एडिशन है ना शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ रिपीटेशन ऑफ एडिशन और उम्मेरयान कह रही है कि ग्रुप्स भी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये 3 3 के 3 3 तीन के ग्रुप अगर चार ग्रुप हैं तो वो कितने बनेंगे एडिंग बाय ग्रुप्स बिल्कुल सही है तो हम देखते हैं कि रिकॉल किया हमने इसको कि क्या है कि एट सिक्स ग्रुप ऑफ फोर यानी कि छ को चार ग्रुप में जमा करो इसी तरह से पांच को चार मरतबा जमा करो अ क्विक वे ऑफ डूइंग रिपीटेशन एडिशन इज टू मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई क्या है कि तेजी से जो है एड करने का ग्रुप के अंदर रिपीटेशन ऑफ एडिशन के मीनिंग में लिया जाता है द ऑर्डर विच यू मल्टीप्लाई डज नॉट मैटर यानी कि आप इधर से करें या उधर से करें अच्छा ये इंटीजर्स जब हम पढ़ते हैं तो ये निशान जो है ये जो नीचे अभी आए हैं अपेयर होके ये वाले प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस तो अब अगले जो दस मिनट के अंदर जो है मैं आपको कंक्रीट मटेरियल के तहत जो है ये डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा इन सारे निशानों के के प्लस से प्लस जमा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस जो है वो कैसे हो जाता है तो ये हम आज जो है लर्न करने की कोशिश करेंगे और ये जो नीचे आपको स्लोगन नजर आ रहा है जरूर इसको याद रखें गोंट मेमोराइज अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स ना तो ये कोशिश करेंगे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करते हुए अपने साथ काम करते हुए कि हम जो हैं इसको इसी बात को आगे लेके चलें तो आप ये दोबारा से रिकॉल कर लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन क्या है कि क्विक वेक ऑफ रिपीटेशन ऑफ एडिशन है यानी बार-बार या ग्रुप्स में जमा करने का नाम है अब जैसे 4 3 है तो 4 3 का मतलब क्या है के है ना के एडिंग फोर ग्रुप ऑफ थ्री यानी तीन तीन के चार ग्रुपों को जमा कर दो है ना और ये मुझे आवाजों से बचने के लिए ओके ठीक है तो ये तीन का एक ग्रुप आ गया बल्कि तीन के दो ग्रुप हैं तो हमें तीन के चार ग्रुप चाहिए और इन चारों को जब आप एड करते हैं तो ये आपके बन जाते हैं क्योंकि ये ग्रीन है तो इसलिए प्लस ट्वेल्व बन जाते हैं ठीक है ना तो ये आ, आपको ये पुराना सा है तो ये क्लियर है और इसमें क्योंकि प्लस का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पर आप पहला प्रिंसिपल जो है वो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो जाता है इजी सा वन अच्छा उसके बाद यह है कि सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू या माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो हमें छ ग्रुप चाहिए यानी कि सिक्स मीन एडिंग सॉरी सिक्स ग्रुप ऑफ नेगेटिव टू यानी नेगेटिव टू के हमें ग्रुप बनाने हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये नेगेटिव सिक्स के जो है वो, वो सॉरी नेगेटिव टू के छह ग्रुप जो है वो ट्वेल्व के बराबर बन जाते हैं या माइनस टू के उसके बराबर बन जाते हैं यानी कि ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में मैटर नहीं करता तो सिक्स को यानी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें जो है वो तकरीबन क्या कहेंगे बात एक जैसी हो जाती है तो ये भी एक बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है ना ये अगर आप इसको कॉन्क्रीट मटेरियल के तहत आप इसको करते हैं तो ये प्रिंसिपल भी समझ में रहता है अब हम चलते हैं चौथे प्रिंसिपल की तरफ जो कि माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू सबसे पहले हमें इसको समझने की जरूरत पड़ेगी जो कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इट ना इसके क्योंकि थोड़े से स्पेशल मीनिंग है तो मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ आ, आप अंदाजा लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए अपना माइक अनम्यूट करके तो हम पहले सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हाउ कैन वी रीड माइनस टू माइनस टू को हम कैसे पढ़ सकते हैं जी आप में से कोई अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है कि हाउ कैन वी रीड माइनस टू और ये आपदोज वाली मिसाल जरूर याद रखिएगा। मुझे लग रहा है आप लोग चैट पे तो जवाब नहीं दे रहे मैं चैट खोलता हूं मैंने क्योंकि चैट बंद गया सर कैन वी रीड दिस एज टू टाइम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन ओके इस हाँ ठीक है टू स्टेप्स लेफ्ट फॉर द लंबा लाइन गुड आइडिया गुड आइडिया जी और कोई आइडिया है देखिए इसको ये आप दोस्त वाली मिसाल याद रखें तो एक हमने बात की थी वहां पे एक तो हमने इसको सॉरी नेगेटिव टू पढ़ सकते हैं अपोजिट सॉरी ये तीन आ गया वो, वो गलती से तो अपोजिट ऑफ टू पढ़ सकते हैं और या सब्रैक्ट टू पढ़ सकते हैं या नेगेटिव

तो अच्छा अब अगर हम इसको देखें माइनस थ्री माइनस टू को कुड बी इंटरप्रेटेड सब्टेक्ट टू ग्रुप ऑफ नेगेटिव थ्री यानी ये जो अगर आप यहां नजर आ रहा है माइनस थ्री के थ्री में से तो नेगेटिव थ्री के दो ग्रुप को क्या करो रिमूव करो और निकालो यहां पे जो माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू का जो मतलब बनता है वो अगर हम इस इंटरप्रिटेशन के साथ चलते हैं सबसे यहाँ पर हमने ऐड नहीं करना रिपीटेड ऐड नहीं करना है बल्कि क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं तो या तो आप उल्टा कर लें या उधर से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें यानी कि सबट्रेक्ट थ्री ग्रुप्स ऑफ नेगेटिव टू या सब टू ग्रुप ऑफ नेगेटिव थ्री तो ये दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है तो इसको याद रखें तो हम इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे आइए हम करते हैं सबट्रेक्ट करते हैं टू ग्रुप्स नेगेटिव थ्री के और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है ठीक है ना तो ये हमारे पास हमने सवाल लिया और इस सवाल की जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने उसके साथ लिख दी है सो माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू कुड बी इंटरप्रेटेड सब्जेक्ट टू ग्रुप ऑफ नेगेटिव थ्री तो आइए हम इसको करते हैं और ये हम किसमें से निकालेंगे देखें ये तीन माइनस है तीन प्लस है तो बेसिकली ये क्या है ये जीरो है इट इज जीरो। हाँ जीरो ठीक है ना बिल्कुल आपने कहा थ्री का एक ग्रुप माइनस थ्री, थ्री का दूसरा ग्रुप पकड़ा और हमने क्या, क्या किया इसको रिमूव कर दिया क्योंकि माइनस के मतलब क्या है रिमूव करना तो आइए इसको रिमूव करते हैं और ये दोनों ग्रुप रिमूव हो गए तो हमारे पास बचा प्लस सिक्स तो इस तरह से माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स के अंदर तो हमेशा आंसर जो है वो वो प्लस में आता है तो इस तरह से माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस किस तरह से हो सकता है इस तरह से देखें एक और मिसाल ले लें अब इसमें से क्या करना है माइनस कर रहे हैं माइनस फोर के तीन ग्रुप जो है हमने निकालने हैं तो आइए माइनस फोर के तीन ग्रुप निकालते हैं एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप सही है ना हमने तीन ग्रुप लिए और यानी तीन जीरो लिए और इसमें से माइनस फोर एक का एक ग्रुप माइनस फोर का दूसरा ग्रुप माइनस फोर का तीसरा ग्रुप हमने निकाला और ये एक दो तीनों ग्रुप हमने निकाल लिया और हमारे पास प्लस टू आ गया तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन जो है आज तक हमसे हम बड़े खुशकिस्मत हैं मैं भी उनमें शामिल हूं कि किसी बच्चे ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि सर ये माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होते हैं मुझे दिखलाओ बतलाओ मत बल्कि मुझे दिखाइए मुझे बताइए मत बल्कि मुझे दिखलाइए तो वो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही था आज के लिए तो आप आब... ओके प्लीज आप अपना माइकम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं और मैंने आपके चैट बॉक्स पे आपको लिंक भेज दिया है तो आप उस लिंक के थ्रू जो है वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आ, सर्टिफिकेट्स के लिए सर लास्ट जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जैसे आपने माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस थ्री सॉल्व किया था

अंडरस्टैंडिंग uh, हमारे पास नहीं होती मुख्तलिफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं ये कहाँ से खुल गया uh, मैं उस, उस पर जाता हूँ फिर अब उसकी मीनिंग के साथ हम उसको देखते हैं देखें इसमें सबसे पहला ना इस इंटरप्रिटेशन को आप देखें कि ये इंटरप्रिटेशन क्या है uh, ये कह क्या रहा है कि ये अगर आप इसको माइनस फोर और माइनस थ्री कर लें कु इंटरप्रेटेड किस टू ग्रुप ऑफ नेगेटिव थ्री या सबट्रेक्ट करो थ्री ग्रुप ऑफ नेगेटिव फोर क्योंकि ये इसका मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमें पता है कि इसका ऑर्डर जो है वो फर्क नहीं पड़ता लेकिन सबटेक्स किसमें करेंगे तो क्योंकि दोनों माइनस आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप सब्टेक्ट इसमें से करेंगे जीरो में से करेंगे